चलिए इस बीच एक बार जल्दी से जो टॉप लूजर्स हैं, एक तो वेदांत और केन है, जो आईटी डिपार्टमेंट ने नया नोटिस भेजा है 18,800 करोड़ का, जिसमें ब्याज की रकम भी शामिल है, उसका सीधा इम्पैक्ट इन दोनों पर देखने को मिलेगा। तो ये कांग्रेस के प्रेशर में रहेंगे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कंसर्निंग है वो ये है कि निफ्टी में कुछ एक स्टॉक्स को अगर आप देखें तो वो जो स्लाइड है वहाँ पर वो और प्रेशर क्रिएट करते हुए इंडेक्स पर भी और इंट्राडे बेसिस पर भी अगर देखें तो ये स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा नहीं। मिसाल के तौर पे अब देखिए टाटा मोटर्स को, अब ये 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देख रहा है, 360 को इस समय टेस्ट कर रहा है। बजाज ऑटो करीब 1.5% नीचे है, हिंडालको, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। इसके अलावा जो टॉप लीजर्स हैं वो तो है ही, तो ल्यूपिन तो है ही 8% नीचे, HDFC एडवांस टैक्स के नंबर्स के बावजूद 4% नीचे है, जी एंटरटेनमेंट 3.5% नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज, ITC, सन फार्मा, सिप्ला, आइडिया, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन सारों पर अच्छा खासा नुकसान इस समय देखने को मिल रहा है। अनु फार्मा पर एक खबर आई है, हालांकि ये वाइडली ट्रेडेड नहीं है स्टॉक, लेकिन खबर ये आई है कि इनकी जो एरिथ्रोमाइसिन की दवा थी उसका लाइसेंस रद्द किया गया है ऑन टेम्पररी बेसिस। एरिथ्रोमाइसिन की दवाइयाँ बनाते थे, एप्लीकेशन बनाते थे, तो इसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, ये काउंटर करीब 11% की। तो फार्मा स्टॉक्स को आई थिंक इन्हें दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है फिलहाल। और सही में अगर आप देखें बहुत सारी दवा तो ऐसी थी जिनको आप और मैं बिना पूछे बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते थे। आप और नहीं नहीं आप कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं? नहीं मैं उसी बात कर रहा हूँ, बुखार की दवाई जैसे अच्छा, आम तौर पर अगर आप देखें शरीर विक सेक्शन 500 वो अब नहीं होंगे कोरेक्स चलिए कोई बात नहीं OTC इस पर इनफैक्ट इस पर ऑन अ सीरियस नोट ये जो मुद्दा है ना ये काफी गंभीर है, इसी पर आज शाम को 6 बजे हमें खास शो भी कर रहे हैं कि ये कंज्यूमर कई बार जो OTC ड्रग्स होती है जाके ले लेते हैं दुकान से, जब बुखार होता है कोई दवाई ले लेते हैं, लेकिन ये पता है ये बड़ा गंभीर मेडिकल स्टोर जाके बोल दिया भैया हाँ सर दर्द की दवा दे दो, उसने तो दे दी, पता चले OTC कारोबार खाली हो जाएगा। इनफैक्ट ठीक भी है शाइना, एग्जैक्टली आपकी आपकी राय क्या होगी इस पर? ये मतलब काफी इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये फॉलो थ्रू हो जाता है, जैसे अभी आप कोरेक्स की बात कर रहे थे वो तो बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है फाइजर के लिए, सो आई थिंक ग्लेनमार्क में भी थोड़ा इम्पैक्ट होगा, दे हैव गॉट वेरी बिग डोमेस्टिक जो रिटेल सेल्स है उनका, तो ऐसे जो बैन होंगे कुछ प्रोडक्ट्स इम्पैक्ट तो जरूर होगा बिकॉज इट इज दे सम ऑफ दिस प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट, जैसे काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल डोमेस्टिक रेवेन्यू के ऊपर, जो इंटरनेशनल जो ज्यादा जिनका रेवेन्यूज है वो उतना इम्पैक्ट नहीं होंगे। अनुज एक एक स्टॉक एक और देखिए, इनफैक्ट एलस्टॉम TND 401.50 के स्तर पे आज 8 रुपये ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तेज स्टॉक है और बहुत तेज़ी आई है इसमें, लेकिन आप देखिए डाउन से रेस्ट्रिक्ट हो गया है और आज इसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ था, जिसे कहते हैं ना कि कैरेक्टर को आजमा रहा था बाजार कि भाई आप चल सकते हो नहीं चल सकते हो, 404-405 मेरे को क्या लग रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखें कि ये स्टॉक कभी भी जिसे कहते हैं ना ट्रेडर्स की भाषा में फट जाना, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अपने आपको साइडवेज रख रहा है लेकिन कभी भी डिलीवर कर देने की एक्सपेक्टेशन। एलस्टॉम टीएनडी प्लीज अगर आप देखिए 405 पे कारोबार कर रहा है, आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? जी वीरन जी, जिस तरीके का मूव अभी उभर के आ रहा है उसमें एक साइडवेज मूव ही दिखता है, नीचे में 360 ऊपर में 410 की एक रेंज, तकरीबन ये 50 रुपये की रेंज में पिछले 4-5 महीनों से स्टॉक घूम रहा है। हालांकि एक वन साइडेड सेल ऑफ का हमने मूव देखा हुआ है, जो तकरीबन 600 के हाई से जो हमने दिसंबर मंथ में लोज बनाए 360 के, वहाँ तक एक साइड का मूव देखने को मिला, कभी साइडवेज मूव हुआ कभी 3-4 महीने की लगातार बिकवाली का दबाव रहा, लेकिन अभी आप जिस तरीके से देखेंगे मेरे ख्याल से 408-410 के जो ब्रेकआउट होंगे वो जरूर से एक अपवर्ड मोमेंटम देंगे। वॉल्यूम्स पिछले कुछ वीक्स के अंदर हम देख चुके हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे दिखे हैं हमें, तो यहाँ पर हम टेक्निकली एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे क्योंकि बाजार इन स्तरों पर है कि यहाँ से एक बिकवाली का दबाव भी देखने को मिल सकता है, जैसे जिन लेवल्स की मैंने बात की अगर वो ब्रीच होते हैं तो मैं यहाँ पर टेक्निकली एक ब्रेकआउट का वेट करूँगा। 410-412 के ब्रेकआउट के ऊपर इसे लॉन्ग किया जा सकता है, अभी भी आपको 380-385 की रेंज के जो सपोर्ट हैं एज ए स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, लेकिन इन ब्रेकआउट्स के बाद जो मूव आएगा वो तकरीबन पहली मूव ही होगा वो तकरीबन 450-455 तक के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, तकरीबन 10% तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो जरूर से ट्रेडर्स ध्यान में रखें 410-412 के ब्रेकआउट के ऊपर इसको लॉन्ग करें और किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए 380-385 के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। जी इस बीच आपको बताऊंगा ट्राइडेंट आज जी बिजनेस का अंतिम 25 मिनटों का स्टॉक था, ये कमाई का एक मौका होता है अगर आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे
बेस के आसपास कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं। रजत ने ये स्टॉक आके 50 रुपये बताया, काउंटर गया 53 रुपये, लगभग 25 पैसे का हाई लगा के। अब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हायर लेवल से लाजमी है, लेकिन 2.5% ऊपर इस गिरते बाजार में इतनी शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। ये रजत का डेडिकेटेड स्टॉक था आज, रोज 3 बजे आप ये स्टॉक देख सकते हैं, 3:05 पे आज का स्टॉक था ट्राइडेंट। खैर अब मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, कुछ सेटअप स्टॉक्स को देखते हैं। इनफैक्ट आज इस बाजार में सब कुछ खराब था, और देखिए आमतौर पर जब हर चीज़ ख़राब होती है तो आप फार्मा की तरफ भागते हैं, लेकिन आज दिक्कत की बात ये थी कि फार्मा ही इस बाज़ार की सबसे कमज़ोर कड़ी थी। इंडेक्स को यहाँ धकेलने के लिए अगर आप देखें, जो स्टॉक सबसे आगे आया वो था ल्यूपिन, 1% नीचे निफ्टी, और ल्यूपिन को देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखें डे लो के आसपास क्लोज होता हुआ। हालांकि अगर आप देखें जो स्टॉक्स आज काफ़ी शानदार है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, PNB, बॉश करीब करीब 200 रुपये ऊपर रहा, उसके बाद येस बैंक करीब 8 रुपये ऊपर। तो बैंकिंग अगर आप देखें तो आज रेट कट की एक्सपेक्टेशन के बीच में डिलीवर करता हुआ, बैकफुट पे एक बार भी नहीं हुआ, लेकिन लुक एट ल्यूपिन 144 रुपये नीचे 1725 के स्तर पे, और डिलीवरी वॉल्यूम्स माफ कीजिएगा ये वॉल्यूम्स पुट के स्टैटिस्टिक्स, कॉल के स्टैटिस्टिक्स, IVs जिस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर बिहेव कर रही थी, एक सिवे डाउनसाइड की तरफ यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है। आखिरी में डॉक्टर रेडीज गिरा, ITC 314 के स्तर पे। मिड कैप बैंकिंग में कर्नाटक बैंक लगभग 2% ऊपर रहा, 2% 2 रुपये का इजाफा यहाँ पे, और यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक्स वाइब्रेंट रहे और बैकफुट पे डिसाइसिवली आज रहे फार्मा स्पेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे, बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पे, कर वैसे बैंक आपकी स्क्रीन पे 423 के स्तर पे, और निफ्टी क्लोज हो चुका है एक बहुत दिनों बाद। अगर आप देखें तो एक ऐसा स्लाइड रहा जो कि अंतिम दौर तक सस्टेन रहा, 75 अंक नीचे रहा। लास्ट में है कि अगर आप देखें ऐसा होता एक न एक दिन तो, क्योंकि इससे के पिछले कुछ सेशंस में हम आते थे, हम 7420 की ट्रेजेक्ट्री को छूते थे, हम आते थे नीचे 7450 की ट्रेजेक्ट्री को छूते थे, और उसके बाद बेहद नज़दीक 7500 के बंद होते थे। लेकिन आई थिंक आज ल्यूपिन का इशू ऐसा था मे जो कि बाजार को तंग करके गया मेरे ख्याल से, क्योंकि ये नई डेवलपमेंट और नई बड़ी अगर आप देखें क्रिटिकल स्टोरी थी बाजार की। जी हाँ बिल्कुल, तो बड़ी खबर यही है कि अल्टीमेटली 1% नीचे इंडाइसिस क्लोज हुए हैं, 250 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, निफ्टी भी 76 पॉइंट नीचे 1% नीचे। बस एक सेविंग ग्रेस अगर कुछ मार्केट के लिए था तो वो थे बैंकिंग स्टॉक्स, जो कि 1/4% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि यू लुक एट PSU बैंक्स लेड बाई SBI जो कि अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग देते हुए, लेकिन इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन को भी अगर आप देखें ना तो उस लिहाज से भी मार्केट जो क्लोजिंग जिस तरह की दी है इसने, ये डेफिनेटली थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है इस तरह के क्लोजिंग में। 470 काउंटर्स बढ़त में NSE पर, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या इज़ क्लोज टू 1000, यानी हर ऑलमोस्ट एक बढ़ने वाले काउंटर के सामने करीब 2 काउंटर्स ऐसे जो कि नुकसान में बंद होते हैं। पर मैं अभी भी मानता हूँ मिहिर, आई थिंक ये शायद DAS की सेलिंग, और आई थिंक ये फार्मा काउंटर हो सकता है स्ट्रीट का मूड बिगाड़, अदरवाइज जो सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है इस बाजार की बैंकिंग वो आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तक है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका शायना इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, और अनुज इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, और सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर आने के लिए। इस कार्यक्रम अंतिम बाजी फिलहाल।